Good morning, students. How are you all? So today we are going to start our chapter 16, that is garbage in and out, and this is our last chapter for second term. और ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. Then you can start preparing. आप अभी से ही start करना prepare करना start कर सकते हो. Just this chapter is and this is also so easy. So आज हम इसकी reading start करते हैं. ये part 1 है on page number 155. Please listen carefully. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. हम डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ फेंकते हैं जो हमारे यूज़ का नहीं होता है. गारबेज हम मतलब कचरा हम फेंकते हैं स्कूल से, ऑफिस से, शॉप से, घर से, वगैरह वगैरह. द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स. ये सब जो आइटम है किस में पैक किए जाते हैं, ये प्लास्टिक के बैग्स में, प्लास्टिक पॉली वगैरह में पैक किए जाते हैं या टिन्स में. ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. और ये सब हम यूज़ जब कर लेते हैं तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं, पैकेजिंग जो मटेरियल्स हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये कचड़े में चले जाते हैं. वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रोन इन टू द गार्बेज. और हम कुछ बार कई बार तो ऐसी चीज़ें भी खरीदते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं होती और हम उसको फिर डायरेक्ट गार्बेज में फेंक देते हैं. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़. हम बहुत कचरा इकट्ठा करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स इन पब्लिक प्लेसेस. जो हमारे मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं खा के बस साइड से, इन बसेस या फिर ट्रेन्स में, आफ्टर ईटिंग द नट्स नट्स खाने के बाद, मतलब मूँगफली खाने के बाद. वी थ्रो अवे द टिकट वेन वी गेट ऑफ अ बस. और हम जब बस यूज़ कर लेते, मतलब बस की हम राइड कर लेते, तो हम वो टिकट भी फेंक देते हैं ऐसे ही साइड से. अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन. कोई एक बच्चा बस पेंसिल शार्प कर जाता है एक मज़े के लिए, बट वो क्या कर रहा है, वो कचड़ा ही तो इकट्ठा कर रहा है. इफ़ यू मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन अवर नोटबुक. कभी हमारे से गलती से अगर नोटबुक पे इंक फैल जाती है, कुछ फैल जाता है गंदा, तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पेज को फाड़ के फेंक देते हैं. वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज एंड स्लीपर्स. और हम बहुत सारी चीज़ें भी डेली यूज़ पर फेंकते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती, या वो अगर हमारे लिए वेस्ट हो जाती, जैसे कि टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स वगैरह, तो क्या हो रहा है, इससे गार्बेज क्रिएशन हो रहा है. वट इज द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम योर हाउस एंड सराउंडिंग्स. अच्छा, क्या होगा किसी दिन अगर आपके सराउंडिंग्स में से अगर कचरा इकट्ठा कचरा रिमूव नहीं किया जाएगा. हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस. तो आपको क्या लगता है ये कैसे हमें हार्म करेगा. व्हेन सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट. जब जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आते हैं हमारे स्वीपर्स वगैरह होते हैं, जब वो हमारे घरों से कचरा लेके जाते हैं, फिर वो इकट्ठा करते हैं, मतलब वो अपनी बास्केट में इकट्ठा करते हैं, तो फिर वो कहाँ जाता है, मतलब इकट्ठा जो कचरा होके वो कहाँ उसको लेके जाते होंगे. उसका क्या होता होगा. Is it possible for all this garbage to be changed into something that will not harm us? क्या ये क्या पॉसिबल है, ये पूरा गार्बेज ऐसी जाके जाए या ऐसा कुछ उसमें गार्बेज में ऐसा कर देते होंगे वो लोग कि वो हमें हार्म ना करे. कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे. क्या हम इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे. Children from Paheli and Bojo's school did a project called Dealing with Garbage. Paheli और Bojo के school में बच्चों ने क्या project किया था, garbage को कैसे deal करना, मतलब उसको कैसे treat करना है कि वो हमें harm ना करे. क्योंकि of course garbage तो create होगा, ऐसा तो है नहीं कि garbage create ना हो, garbage तो होगा ही होगा, तो उसको deal कैसे करना है वो सब उन्होंने project में पढ़ा था. We will learn about some of the things they learnt through the project. अब उन्होंने क्या कुछ पढ़ा था अब वो हम पढ़ेंगे. So the topic here comes. फर्स्ट टॉपिक 16.1 डीलिंग विद गार्बेज. सफाई कर्मचारीज कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल. जो सफाई कर्मचारी जब अपने ट्रक्स में भर लेते हैं पूरा कचरा, और कहाँ लेके जाते हैं, लो लाइंग ओपन एरिया, मतलब जहाँ पे खाली बहुत बड़ा एरिया होता है उसको कहते हैं लो लाइंग, मतलब थोड़े से गड्ढे जैसे होते हैं उसको कहते हैं हम लैंडफिल, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो.
देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी री यूज्ड इज सेपरेटेड. अब जो गार्बेज है हमारा, जो कचरा है, उसमें से वो वाला पार्ट अलग किया जाता है जो कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, वो सेपरेट किया जाता है गार्बेज में से फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज. और ऐसे दो जो गार्बेज है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जो हम रीयूज कर सकते हैं और एक जो हम रीयूज नहीं कर सकते हैं. दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. तो ऐसे गार्बेज में यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं. द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट. और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, जो हमारी यूज़ का नहीं है, जो हम रीयूज नहीं कर सकते, मतलब वो कचरा है ही, वो सेपरेट किया जाता है. इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल. अब जो ये पूरा जो कचरा है वो लैंडफिल में डाल दिया जाता है, मतलब गड्ढे वगैरह में डाल दिया जाता है, और उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, कर देते हैं. वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल. अब जब वो जो लैंडफिल है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड. और फिर वो जो लैंडफिल एक बार कम्प्लीट हो जाती है, फुल हो जाती है, वहाँ पे क्या बना दिया जाता है, कभी गार्डन या पार्क वगैरह ऐसे बना दिया जाता है. फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो. अब 20 साल, अब उसके जो नेक्स्ट 20 साल है, नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट. उस पर कोई और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं की जा सकती. टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज. अब जो इसमें से यूजफुल जो कंपोनेंट्स थे गार्बेज में से, उसमें से कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल. अब लैंडफिल के बगल में कंपोस्ट बनाने के एरियाज क्रिएट किए जाते, डेवलप किए जाते. अब कंपोस्ट क्या होता है, व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट. व्हाट इज कंपोस्ट, अब कंपोस्ट क्या होता है, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब जो एक्टिविटी है अब हम कल पढ़ेंगे. सो टुडे वी हैव जस्ट रेड द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. अब हम इसके कल इसके बारे में एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर और जानेंगे कि कैसे हम गार्बेज के साथ डील कर सकते हैं. टिल दैट प्लीज़ रीड एंड रिवाइज, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू.